तो अब हेडिंग दीजिए कुछ चिंताएं, अर्थात विपक्ष विलय के कारण कई शाखाओं तथा एटीएम तथा नियंत्रक कार्यालयों को या तो बंद करना होगा या हस्तांतरित करना होगा। दूसरा, बैंक और उनके संघों के शीर्षस्थ व्यक्तियों को सामंजस्य करने में समस्या हो। तीसरा, विलय के कारण कई कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त और नई बहाली या तो रोक दी जाएगी या कम कर दी जाएगी। फलस्वरूप कई नौकरी जा सकती है, जिस कारण विधि व्यवस्था की समस्या तो होगी ही और इनके साथ ही साथ समाज पर भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। हर बैंक की अपनी कार्य संस्कृति होती है, जिस कारण संस्कृति का टकराव हो सकता है। जैसे नामे से नहीं पता चलता है, बैंक ऑफ इलाहाबाद, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ना, तो महाराष्ट्र पे ज्यादा फोकस है, नहीं समझे, तो वहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है। अब दोनों मर्ज हो जाएगा तो संस्कृति का टकराहट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट, यदि कोई बड़ा बैंक घाटे में होता है तो बैंकिंग उद्योग को भी उतना ही बड़ा धक्का लग, ये हमारा विपक्ष का हो गया। ओके, पक्ष मेरा क्लियर है, ठीक है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी है। विपक्ष में जो है सो हम देख लिए, सरकार को क्या लाभ होगा वो भी देख लिए, अब विपक्ष में भी देख लिए। इसके अलावा अब जो मेन चीज है वो है कि ये एनपीए है ना, वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण, उनका कहना है कि बैंकों का जो हम लोग बिलियन कर रहे हैं ना, बैंकों का बिलियन कर रहे हैं ना, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है, बैंकों का बिलियन जो कर रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा यही है, ठीक है, बात समझ में है ना। तो ये वो कहती है, तो अब देखते हैं कि ये है क्या, ठीक है, ये हम लोग समझने का पहले प्रयास करते हैं। ये है क्या एनपीए, एनपीए है क्या, बढ़ने के पीछे कारण क्या है, इसका रोकथाम क्या है, ठीक है, तो ये सभी चीज हम लोग देखते हैं। तो अब यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया एनपीए क्या है, तो पहले ही हम लोग इसका फुल फॉर्म बोलेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां। क्या बोलते हैं, गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां। चलो ऐसे समझो, समझना है पहले, ये तो ये बैंक है, कौन है, बैंक है, बैंक आपको ऋण देती है, क्या दे रही है, ऋण दे रही है। बैंक का तो आपको हम कार्य बता ही दिए हैं, या तो जमा होगा या तो निकासी होगा, दो ही काम होगा, जमा किसी भी रूप में हो सकता है और निकासी किसी भी रूप में हो सकता है, दो ही। अब ये आपको क्या दिया, ऋण दिया, तो ऋण दिया तो बदले में आपसे वो क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा, अर्थात ब्याज लेगा, ब्याज लेगा कि नहीं, आना तो बोलिए। अच्छा, ब्याज यदि आप समय पे उसको नहीं देते हैं, समय पर उसको नहीं देते, ठीक है, तो आपके ऊपर वो क्या करेगा, लीगली कार्रवाई करेगा। तो कितना दिन तक, मान लो ब्याज जो दिया जाता है वो या साप्ताहिक ब्याज लिया जाता है, या तो आपको मंथली ब्याज आप से लेगा, या तो आपको 6 महीना पे लेगा, या तो साल भर में लेगा, ये इंटरेस्ट का रेट होता है। मान लो कि हम आपको साप्ताहिक, गाँव सब में देखते हो ना कि सप्ताह सप्ताह में तुमको इंटरेस्ट देना है, बैंक लेगा तो महीना महीना होगा, मूलधन के साथ इंटरेस्ट जोड़ करके आपसे ब्याज लेगा। अच्छा, अब तुम ले लिए हो और तुम्हारा सिचुएशन खराब हो गया है, तुम वो क्षमता में नहीं हो कि हम इंटरेस्ट भी दे पाए, ठीक है, लास्ट में मान लो तुमको पर्सनल लोन दिया है, सपोज करो सिमरन को पर्सनल लोन मिल गया, पर्सनल लोन कितना, 10 लाख, ठीक है, इसमें तो कुछ सिक्योरिटी रखा नहीं, नहीं नहीं रखा है, तो सिक्योरिटी रखेगा तब ना उसके पास कुछ जमा रहेगा। अब सिक्योरिटी हो गया कि बैंक को वो पैसा जमा कर नहीं सकती, तो लास्ट में क्या करेगा, सिक्योरिटी यदि नहीं रखा है तो लास्ट में क्या करेगा, जमीन सिक्योरिटी तो है ये नहीं है, लास्ट में ये मान लिया कि ये व्यक्ति जो है भाग गया है यहाँ से, या डिप्रेशन में चला गया है, अब वो क्षमता नहीं है कि वो हमको पैसा दे सकता है,
तो इस पैसा को जो है बैंक क्या करती है, भूल जाती है या माफ कर देती है, ये सभी कारण है। बात समझ में आया? तो वो पैसा बैंक को तो मिला नहीं, तो उस पैसा को कहां डाल दिया गया, कहां डाल दिया गया, एनपीए में, गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां। अर्थात ऐसी संपत्तियां हैं जो हमको समय पर नहीं मिल रही और मिलने की भी उम्मीद नहीं है। ठीक है, अब सवाल हो रहा है कि बढ़ने के पीछे इसका कारण क्या है, बढ़ने के पीछे इसका कारण क्या है। अभी सरकारी बैंक से जितना भी हो रहा है, ठीक है ना, तो एनपीए ज्यादा जा रहा है, एनपीए ज्यादा बढ़ रहा है और सबसे बड़ा समस्या यही हो रहा है। अब एक ऐसे समझो, ठीक है, ये बैंक कौन है, ये बैंक, ठीक है, और ये अमित नाम का लड़का है, कौन है, अमित। अमित को बैंक जो है क्या दिया, 10 लाख रुपया दिया, क्या दिया, 10 लाख रुपया लोन दिया। ओके, दिमाग में सेट हो गया। अमित क्या किया, इस पैसा से उद्योग लगाया, इंडस्ट्री लगाया, तो बताया कि हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, हमको 10 लाख रुपया चाहिए, तो दे दिया। और सब समय पर इसको जो है 9 लाख रुपया जमा भी कर दिया, मान लो थोड़ा देर के लिए 9 लाख जमा भी कर दिया। अब ऐसा सिचुएशन आया, समय तो एक जैसा होता नहीं है, उद्योग में अमित को घाटा लग गया, उद्योग में अमित को क्या लग गया, घाटा लग गया, घाटा लग गया था। अब शेष बचा कितना है बैंक वाले का पैसा, 1 लाख। तो ये देखा कि समय पर आ रहा है इसका पैसा अमित का, इससे पहले रिकॉर्ड देखा, तो रिकॉर्ड देखा तो अरे बाप 9 लाख जमा कर दिया, इसका मतलब अच्छा कस्टमर, हो सकता है 2 महीना दिक्कत हुआ होगा तो इसको तगादा नहीं कर रहा, ठीक है ना। लेकिन 6 महीना साल भर बाद पता चला, ओ माय गॉड, अमित को तो भयानक घाटा लग गया और अमित तो भाग गया, ठीक है, अमित भाग गया है। तो अमित भाग गया है तो अमित के पीछे क्या करेगा, कुर्की जब्ती करेगा उसका उद्योग का, तो कुर्की जब्ती के लिए भी सिस्टम होता है, उसका एक लीगली वकील रहेगा, लॉयर रहेगा, ठीक है ना, और वो वकील को देगा पैसा, वो वकील सिस्टम बनाएगा। अब मान लो ये उद्योग पर जो है कुर्की जब्ती किया और वकील का फी इसका कमोबेश रूप से जो है 1 लाख हो गया, अब बोलो इससे वसूलना कितना है। और यदि बैंक का खर्चा हो रहा है 1,05,000, तो कोई मूर्खे आदमी ना होगा कि 1 लाख वसूलने के लिए 1,05,000 खर्चा करेगा, नहीं समझे। तब उस स्थिति में क्या करता है बैंक, इस पैसा को भूल जाओ, इस पैसा को भूल जाओ, चलो भाई 9 लाख दिया था ना, एक ठीक है। अच्छा, दूसरा उदाहरण ये लेते हैं, यही अमित है, लोन दिया 10 लाख का, ठीक है, बढ़ने के पीछे कारण दिखाई दे रहा है ना, यही अमित है, अमित 10 लाख का लोन लिया, लोन लिया था, इसका बड़ा सर्कल से दोस्ती है, ठीक है, किससे, तो बुलो मंडल से, बुलो मंडल से, बुलो मंडल कौन है, अब हमको नहीं पता, यहाँ का सांसद कौन है, अजय मंडल है, जो कोनो मंडल है ना, नाम हम परिवर्तन कर दिए हैं, ठीक है, मान लो अब अमित को लोन दिया 10 लाख दिया ना, अब बैंक गया उससे क्या मांग रहा है, इंटरेस्ट मांग रहा है ना, एक बार बैंक मैनेजर गया, 2 बार बैंक मैनेजर गया, 3 बार बैंक मैनेजर गया, ठीक है, लास्ट में अमित बोला किसको, मंडल जी को, देखिए कि बैंक मैनेजर जो है ना बहुत तंग कर रहा है, बोला तुम चिंता ना करो अमित, एक बार हम फोन कर दे रहे हैं, किसको, इस मैनेजर को, इस मैनेजर को खाली फोन करेगा, बुलो मंडल बोलेगा क्या बात है भागलपुर अच्छा नहीं लग रहा है, खाली एक को बात बोलेगा भागलपुर अच्छा नहीं लग रहा है क्या। अर्थात ये जो मैनेजर साहब हैं अपना घर यहाँ खरीद लिए हैं, बच्चा माउंट एसएससी स्कूल में पढ़ रहा है, ये मैनेजर को एकदम खेत के खलियारा में भेज देंगे, तो अपना पद बचाने के लिए या अपना कुछ सुविधा बचाने के लिए अमित के पास क्या किया, तगादा करना बंद कर दिया। बात समझ में आया, तगादा बंद कर दिया तो ऑब्वियस है कि एनपीए तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। लास्ट में 6 महीना बाद इस बैंक मैनेजर का ट्रांसफर हो गया, 6 महीना के बाद फिर दूसरा बैंक मैनेजर आएगा, उसके साथ भी यही स्टैंडर्ड, अमित का तो पहचान जानिए रहा है कितना दूर तक है, यहाँ सृजन घोटाला हुआ कि नहीं भागलपुर, कि भागलपुर केंद्र बिंदु है पैसा वाले के मामले में,
ठीक है, कितना कितना बड़ा घोटाला यहाँ हुआ। तो दो कारण आपको दिखाई दे दिया बढ़ने के पीछे का कारण। तीसरा कारण ऐसे समझो, तीसरा कारण और अब मान लो, सपोज करो ये कोसी का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? कोसी का क्षेत्र है। और फिक्स है कि यहां बाढ़ आना ही आना है। कितना दिन तक? 6 महीना तक। और एनपीए का जो होता है राशि मैक्सिमम 6 महीना तक ही रहता है, अर्थात 180 दिन तक, है ना। उसके बाद हम लोग, अब मान लो इधर 6 महीना ये बच्चा दिया नहीं है पैसा, 6 महीना बाद जो है बाढ़ में फंस गया। अब ये 6 महीना के बाद निकला बैंक मैनेजर पैसा मांगने के लिए, ठीक है। ये बाढ़ में आदमी मर रहा है, आदमी मर रहा है। अब ये क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा उसको पकड़ के जिले के जाएगा ना, है ना। ये आदमी तो ऐसे ही मर रहा है, बोलेगा ले चलो भाई हमको जेले ले चलो, है ना। कम से कम वहां समय पे खाना तो मिलेगा हमको। जेल में सिस्टम बहुत अच्छा है, सवेरे 6 बजे घंटी लगेगा, चना गुड़ मिलेगा, 9 बजे रोटी सब्जी मिलेगा, दोपहर में भात दाल चोखा सब्जी मिलेगा, शाम में फिर नाश्ता मिलेगा, रात में 8 बजे खाना मिलेगा। इतना सिस्टम तो घरों में नहीं होता होगा। अब जो आदमी ऐसे भूख से मर रहा है तो क्या करे? फैमिली खाना मिलेगा ना। लास्ट में वहां जाता है तो कहता है ले चलो, कहता छोड़ दो भाई पैसा मत मांगो, जेलों में तो जगह होना चाहिए। तो बढ़ने का पीछे कारण समझ गया, ठीक है। तीन कारण आपको ये हो गया कि बढ़ने के पीछे कारण। लेकिन कुछ कारण ऐसा भी होता है जो जेन्युइन रूप से बैंक मैनेजर के गलती के कारण भी बैंक मतलब एनपीए हो जाता है। कैसे? अब देखो, सपोज करो ये मैनेजर साहब, अब मैनेजर का बुराई नहीं कर रहे हैं, मैनेजर साहब, मैनेजर के पास अमित नाम का लड़का गया, ठीक है। ये अमित तो हाईलाइटेड हो जाएगा, है ना। अमित गया, बोला मैनेजर साहब लोन हमको दे दीजिए एकदम, ठीक है। क्या दे दीजिए? लोन दे दीजिए 10 लाख का दे दीजिए हमको, 2 लाख रुपए आपको कमीशन दे देंगे हम एकदम, ठीक है ना। है ओके। कुछ नहीं लिया मैनेजर साहब, मैनेजर यदि इच्छा रहा ना तो 10 लाख तक बिना कुछ सिक्योरिटी का आपको दे सकता है। बात समझ में आया? बिना कुछ सिक्योरिटी का दे सकता है, उसके इच्छा पर रहता है, है ना। बदले में उसको कुछ चाहिए ना, है ना। बदले 10 लाख रुपया जो है ये क्या किया, फंडिंग हो गया 10 लाख। 10 लाख में ये 8 लाख रुपया जो है इसके हाथ में गया, ठीक है। 2 लाख किसके पास चला गया? चलो भाई ये तो बड़का आदमी था, सह गया, ये बड़का आदमी था सह गया। लेकिन अब यदि यहाँ पे छोटा आदमी है जो किसान आदमी, ठीक है, किसान आदमी है, तो बीच में जाना बैंक सब में ना बहुत ज्यादा मेडिएटर होता है, जिसको हम लोग ब्रोकरेज कहते हैं, बोलता है कि हम तुमको लोन दिला देंगे। कौन सा लोन? कृषि लोन। कितना? तो 50,000 या 1 लाख रुपया। 50,000 में 20,000 मैनेजर चल जाएगा, 10,000 अकाउंटेंट चल जाएगा, और इसको जो है कितना हाथ में आएगा, 20,000, 30,000 बीचे में गैप हो गया। अब बैंक मैनेजर पहले सिखा देता है कि पैसा नहीं देना, सरकार माफ कर देगा, ठीक है ना। बाढ़ जैसे आएगा ना तो सरकार माफ कर देगा, ओके। अब किसान तो मूर्ख आदमी है, ठीक है। किसान में एक सच्चाई होता है कि वो समय पर पैसा देने की इच्छा रहती है, लेकिन आपको तो पहले मैनेजर बोल दिया है, क्लियर। लास्ट में 20,000 जो आया उससे वो कुछ किया भी नहीं। एक फिल्म था बहुत अच्छा, उसे एकदम 20,000 बचा, तो उसको कोई बोल दिया डीएम के हाथ में दे दीजिएगा पैसा, है ना। माई बाप हमको तो कुछ मिलने वाला है नहीं, हम भी फंदवा लगा के मर जाएंगे, क्लियर। अब उस व्यक्ति के नाम पे लोन कितना चल रहा है और हाथ में आया कितना है? अब बोलो बाबू वो तो आराम से घर में निश्चित है कि हमको तो देना नहीं है, ठीक है। अब मालूम चला कि इसका सिविल स्कोर बहुत खराब हो रहा है। अब इसके लिए क्या बनाया है? सिविल क्रेडिट बनाया। क्रेडिट रेटिंग होता है कि आपका सिविल स्कोर क्या है, और सिविल स्कोर के आधार पर आपको लोन मिलेगा या लोन नहीं मिलेगा। जब भी आप बैंक जाइए तो पहले आपसे पैन कार्ड मांगेगा, आधार कार्ड मांगेगा, और कहेगा आपका हम सिविल स्कोर देखेंगे। सिविल स्कोर अर्थात 0 से स्टार्ट होगा और 1,000 तक जाएगा मान लो, ठीक है ना। अब जिसका इसका 0 जिसका आ रहा है तो इसका मतलब वो जिंदगी में कभी लोन नहीं लिया है, ठीक है। आगे यदि जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है लिया है
और समय पे उसको दे नहीं रहा है, जैसे मान लो 500 स्कोर आ गया है, समय पे उसको नहीं दे रहा है, मतलब इसका क्रेडिट क्या हो गया है, खराब हो गया। 750 से रेटिंग जिसका अच्छा रहेगा उसका स्कोर अच्छा माना जाएगा, अर्थात तुम्हारे ऊपर यदि लोन मिल भी गया है तो भी तुमको लोन मिल सकता है। क्लियर है? नहीं समझी मेरी भैया? तो ये चीज हो गया। अब इस व्यक्ति का सी तो खराब हो गया, जिंदगी में फिर कभी इसको लोन नहीं मिलता है। पहले बता देता तो नहीं होता, ठीक है, लोने नहीं लेता। तो ये कुछ कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ये बैंक की गलती होती है कि सिविल स्कोर खुद जो है वो कर दे। अब जैसे शुरुआत में एक आध को कभी भी तुम लोग से पैन कार्ड आधार कार्ड सब मांगे तो जल्दी मत दिया करो, ठीक है। नाम क्या है? कंचना। नाम क्या है? कंचना। ये लोन जिंदगी में ली ही नहीं है, इसके नाम से लोन चल रहा है, नाम कंचन का है, और लोन जो है ले लिया है कौन, जो है सिमरन। भूल करके भी एकदम नहीं देना है, तो सिविल को छोड़ना है। अब सिविल सिस्टम को हमको बचाना है, तो सिविल सिस्टम को बचाने के लिए आप टाइमली उसको जो है क्या कीजिए, पेमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। क्रेडिट ब्यूरो इंफॉर्मेशन होता है जिसके थ्रू आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा तो आपको लोन मिल जाएगा। तो अभी सबसे बड़ा बैंकिंग का समस्या जो था वो एनपीए का ही समस्या था, और एनपीए के समस्या के कारण ये मर्जिंग करने का सिस्टम लाया गया। बिल्कुल, तब हुआ ना कि अब हम जो भी देंगे ना अच्छे से देंगे, ठीक है। पहले क्या था कि एकदम दे रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन उसको भी करना होगा, बैंकिंग सेक्टर को भी करना होगा कि मैनेजर हो या कुछ भी बड़े पदाधिकारी हो या मॉडरेटर हो, वो उचित बातें बताएं ताकि गरीब लोगों का क्या हो सके। अब क्या होता है, मान लो अदानी जैसा व्यक्ति है ना, बड़े आदमी है, उसके नाम से 10-10 को 20-20 को लोन चल रहा है, कोई टोकने वाला नहीं है, लास्ट में भाग जाएगा, लास्ट में भाग जाएगा, जापान चल जाएगा। और तू किसान आदमी है, भाग के कहां जाएगी रे, घर का मुर्गी दाल बराबर, जखनी मन होगा तखनी पकड़ लेंगे। बड़का को पकड़ो ना, क्या सृजन वाला का क्या हाल हुआ, अभी कुछ मिला ना, भागा ना विजय माल्या, विजय माल्या भागा ना, कहां कुछ हुआ, एक आदमी को आप लोन पे लोन दे रहे हैं। अरे जिसको लोन का जरूरत है उसको लोन दीजिए, अच्छा से बिजनेस करेगा, अच्छा उसका बिजनेस यदि थोड़ा सा डाउन हो जाए तो उसको कुछ सुविधा दीजिए, रिबेट दीजिए, है ना, और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं आप, लास्ट में वो डिप्रेशन पे चल जाएगा, डिप्रेशन में चल जाएगा, लास्ट में वो फंदिया लगा के मर जाएगा। सब जगह है ये, जो खास करके बिहार वाला क्षेत्र में जहाँ थोड़ा सा लोग पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पे ये सिस्टम ज़्यादा होता है। तो होगा ही, वहाँ मालूम है कि हमको मिल जाएगा आराम से, तुम लोग कर लोगे एनपीए, यदि तुमसे सवाल पूछेगा एनपीए क्या है तो बता दोगे, हाँ क्या बता दोगे, हाँ मतलब एक निश्चित समय अवधि में अर्थात 180 दिन में, यदि मूल धन तो छोड़िए, यदि ब्याज भी नहीं मिलता है तो उस रुपये को हम लोग किस में शामिल कर देते हैं, एनपीए में कर देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। एक चीज ये करेंगे, एनपीए बढ़ने के पीछे क्या कारण है बता दोगे, अरे हाँ ना तो बोलो। अब एनपीए को रोकथाम कैसे, तो रोकथाम करने के लिए एक नंबर में तो क्या किए हैं, बैंकों का विलयन किए हैं, ठीक है, विलय कर देंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहचानेंगे, अच्छे से हम जा कर के लोन देंगे, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा बात जो होगा, इसके लिए ARC एक्ट लाया, ARC एक्ट लाया। अब मान लो कि ये तीसरा आदमी को इसमें पैदा करेगा, तीसरा आदमी मान लो इसके यहाँ अमित के यहाँ लोन कितना है 10 लाख, उसका टेंडर हम निकाल देंगे, पैसा तुम कंचना वसूलो उससे, हमको 8 लाख देना, तो 2 लाख तुम्हारा बचत हो जाएगा। हम ये सोच रहे हैं कि 8 लाख तो हमको मिल जाएगा, और तुम ये सोच रही कि 2 लाख हमको बचत हो जाएगा, बात समझ में आया ना। अब तुम उसके पीछे दिन रात चक्कर लगाओ, किधर है अमित खोजो एक, ठीक है, काहे तो 2 लाख फायदा होगा, समझ में आया ना। इसको हम लोग ARC एक्ट बोलेंगे, तो कुछ कुछ अधिनियम है, उस अधिनियम को हम नेक्स्ट टाइम में बता देंगे, समझ में आ गया है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना।